रत्नाकर इंडिया की खास पेशकश यूट्यूबर स्पेशल्स में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही एक ऐसी बात होती है कि हम जहां रहते हैं उस जगह की जानकारी हमें ही नहीं होती और हम कहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे है। मान लीजिए हमारे पास में कोई मेहमान आ गया जो बहुत दूर से आया है और उसने पूछा कि नागपुर में यार कहाँ जाना है, नागपुर के आसपास कैसी कौन सी जगह जहाँ पे हमें आप ले जा सकते हो, हमें दिखा सकते हो, तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है प्रमोद दुवारे जी। प्रमोद जी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही प्यारे से, बहुत ही चुलबुले से यूट्यूबर्स है हमारे प्रमोद जी। मैं चाहूंगा कि वो अपने चैनल के बारे में और अपनी शुरुआत के बारे में दर्शकों के साथ में साझा करें। नमस्कार, सबसे पहले जितने भी मेरे व्यूवर्स है और सब्सक्राइबर्स है सभी को दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। और मैंने शुरुआत किया था 11 अप्रैल 2019 से, तभी से मैंने वीडियो स्टार्टिंग की है। और जब स्टार्ट किया था तब ऐसा कुछ मोटिव नहीं था, जस्ट एक जब कार में डैश कैमरा था तो कैजुअल शुरुआत की थी। और रोड से रिलेटेड मुझे ट्रैवल्स करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एक डैश कैम फिट करके रखा था। तो वो जो रोड में इंसिडेंट कुछ ऐसा होता था ना, तो वो मैं चाहता था कि लोग देख पाएँ और सही जो राइड होती है या गलतियाँ जो मिस्टेक करते हैं वो लोगों के सामने आए, ये मेरा एक मोटिव था। इसलिए मैंने जो है वो वीडियो डालने स्टार्ट किए और लोगों का जो धीरे धीरे उसमें रिस्पॉन्स मिला, लोगों का लाइक मिले, सब्सक्राइबर बढ़ते गए, फिर मैंने सोचा क्यों ना और आगे कुछ कि इसमें दिखाया जाए। और एक नोटिस किया मैंने कि नागपुर इतना बड़ा जो शहर है इसके बारे में लोगों ने वीडियो अभी तक के नहीं बनाया जी, वो मैंने सबसे पहले नोटिस किया। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अपन को नागपुर के लिए कुछ करना चाहिए और कुछ दिखाना चाहिए। फिर मैंने नागपुर के कुछ अच्छे वीडियोस बनाने स्टार्ट किए तो उसमें भी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, कमेंट्स आने लगे कि और वीडियोज़ बनाओ। तो मुझे भी खुशी हुई कि नहीं यार, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रहा है। और फिर मैंने नागपुर के लिए और भी आगे करते रहा और आज मैं यहाँ तक क्या है उसके लिए बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है कि ये सब लोगों का प्यार है। क्या नाम से आपको लोगों ने देखना है यूट्यूब पे? वैसे तो मुझे सब लोग नागपुर रोड एक्सपीरियंस के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में भी अपना नाम ज़्यादा शो नहीं करता हूँ कि मैं प्रमोद दुवारे बोल रहा हूँ या कुछ ऐसा, मैं कभी शो नहीं करता। बाई चांस एक आधी दो वीडियो में मैंने बताया होगा ब्लॉगिंग में, नहीं तो मेरा जो वीडियो रहता है मेन मोटिव ये रहता है कि आप मुझे मत देखो, मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो आप देखो और वो इन्फॉर्मेशन आप लो। यानी आप पर्दे के पीछे रहकर ही सारा सिनेमा जो है लोगों को बस बिल्कुल दिखाते हैं। आपको क्या लगता है कि एक यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज व्यक्ति में होनी चाहिए? क्वालिटी तो ऐसा कुछ नहीं कि क्वालिटी होनी चाहिए, बस एक जुनून होना चाहिए कि कुछ करना है। मेरा जो एम था लाइफ में कि कुछ देश के लिए करना चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आर्मी में सिलेक्टेड नहीं हो पाया। और जब मैं पुलिस में भी ट्रेनिंग में गया था तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्शन हुआ था, तो ये दोनों चीज़ों मेरे से रिजेक्ट हो गई थी। फिर मैं सोचा अब क्या करें, कुछ करना है। तो नागपुर में मैं बचपन से रहा हूँ, वैसे मेरा जन्म स्थान जो है वो बालाघाट के एक छोटे से गांव से कोथुरना से, लेकिन मैं मेरा जो पूरा ग्रेजुएशन का एजुकेशन है नागपुर में हुआ है। तो सोचा फिर क्यों ना नागपुर के लिए कुछ किया जाए और इसी के लिए मैं नागपुर पे वीडियोस बनाने लगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत पे डिपेंडेंट करता है, आपको डरना नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है, करते रहना चाहिए। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा है कि बहुत बड़ी चीज़ है और मेहनत भी बहुत लगती है। अभी आपके कितने व्यूवर्स हैं? अभी तो मेरे व्यूवर्स तो जो सब्सक्राइबर्स है 5,500 क्रॉस हो चुके हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक आपने नागपुर के पूरा चक्कर मार के रखा हुआ है, नागपुर के 150-200 किलोमीटर के बीच में क्या क्या सब आपने देख के रखा हुआ है, आपकी सबसे मनपसंद जगह कौन सी और क्यों है? तो नागपुर का जैसे फुटाला जो लेक है वो अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाउंटेन बनने जा रहा है, तो वो सभी के लिए बहुत नागपुर वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अब इतने दूर दुबई वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बड़े बड़े फाउंटेन्स थे अब नागपुर में ये हो रहा है। तो गडकरी सर को भी हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्हीं के बदौलत आज जो है नागपुर में ये सब चीज़ें होने जा रही है, और जैसे कि इंटर मॉडल एक्सचेंज स्टेशन बनने जा रहा है और भी बहुत सारे लॉजिस्टिक हब्स वगैरह नागपुर में आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें बहुत प्राउड फील होता है कि अब वो जो खर्चा था वो हमारा बच जाएगा उतने दूर जाने का, और वो सब सारी चीज़ें हमें नागपुर में ही देखने को और इन्जॉय करने को मिलेंगी। लाइफ में जब आप यूट्यूबर नहीं होते हैं, मतलब आप जब यूट्यूब शूट नहीं करते होते हैं जी, तब आप क्या होते हैं? तब तो मैं मुझे जॉब करना पसंद नहीं, तो मैं जॉब तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा जो एमवीओ का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, उसमें मैं काम करते रहता हूँ और बस छोटे मोटे काम है मेरे पर्सनल वो सब करते रहता हूँ, और साथ में जो टाइम मिलता है वो मैं पूरा यूट्यूब को देता हूँ। एक यंग जनरेशन
जो है यंग जनरेशन का सब्सक्रिप्शन भी आपके पास में ज़्यादा होगा, जी तो ये यंग जनरेशन को अगर हमको गाइड करना है उनके करियर के बारे में या ट्रेवल्स के बारे में, आपने ट्रैवल किया है जी, तो ट्रैवलिंग की एक अपनी एक इंडस्ट्री भी बन चुकी है, जो आप जो वीडियोस डालते हैं वो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी है ऐसा मेरा मानना है जी। तो ये यंग जनरेशन को इससे कितनी हेल्प हो सकती है? देखो, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और सही गाइड मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम भी जब किसी नए जगह पे जाते हैं, घूमना फिरना सबको शौक है और आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि वो ट्रैवलिंग करे, वर्ल्ड का टूर करे, है ना। तो इसमें पहले तो हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं और इन्फॉर्मेशन खोजने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिसमें सारी जानकारी मिल जाती है, काफ़ी सारे वीडियोज लगते हैं, लेकिन उसमें एक राइट इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाना और हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑथेंटिकेशन जो है उसका होना चाहिए, वो मुश्किल होता है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो रियल और प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि फेक है या फिर गलत को सही और सही को गलत, ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं रहता वीडियो, तो पूरा प्रॉपर तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जब आप रिसर्च करते हो, रिसर्च करने के लिए आपको तो काफी नए पुराने वहाँ के लोकलिस्ट को मिलना पड़ता होगा, जी जी तो कोई ऐसा अनुभव है आपके पास में जो शेयर करना चाहें कि आप कहीं गए और कहीं पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली या तो दिक्कत आई या बहुत मजा आया हो? देखो, दोनों चीज़ें होती है, हर काम में मज़ा भी आता है और थोड़ी दिक्कत भी होती है। दिक्कत ये होती है कि अगले वाले को मालूम नहीं होता कि हम कौन है, क्यों वीडियो बना रहे, और ये जाहिर सी बात है कि कहीं पे भी कोई भी अगर वीडियो बनाए तो हम भी उसे ज़रूर पूछेंगे और बोलेंगे, तो ऐसा होता ही है। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि, तो फिर वो लोग परमिशन देते हैं और हमारे जितने भी वीडियोज़ होते हैं चैनल पर वो सब परमिशन लेके बनाते हैं। जैसे नागपुर का बड़ा साई मंदिर हो गया, और मंदिर में तो रिस्ट्रिक्टेड बहुत रहता है कि विदाउट परमिशन आप वीडियो शूट या फोटो शूट नहीं कर सकते, तो हमारे जितने भी वीडियोस हैं मंदिर से रिलेटेड वो सारे परमिशन लेके ही हम लोग शूट करते हैं, और जहाँ पे दिक्कतें आती है तो फिर वहाँ पे नहीं करते हैं। आप हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, इन विजन के माध्यम से आज आप पर्दे के बिल्कुल सामने हैं, जी तो आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? आज तो बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है और खुशी हो रही है कि मैं यहाँ तक के पहुँच पाया। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था और कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि मैं एक स्टूडियो में आके मेरा जो इंटरव्यू है टीवी पे दिखेगा, तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। जो लोग यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं या जिनको लगता है कि हमें भी यूट्यूब के ऊपर में फोकस करना चाहिए, जी उनको क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्टडी करना पड़ेगा यूट्यूब के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है। ऐसा नहीं कि सडनली आपने वीडियो शूट किया और डाल दिया, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि काफ़ी पुराने वीडियोज़ है, आज तक कोई देखता नहीं है। तो उसमें यही है कि उसका जो सीईओ वगैरह है, काफ़ी सारी चीज़ें का नॉलेज होना ज़रूरी है, वो सब सीखना पड़ेगा, और सीखते सीखते आपको मेहनत कंटिन्यू करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, 1 साल 1.5 साल उसमें व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे भी 2 साल हो चुके हैं अभी, क्योंकि मैंने 11 अप्रैल को फर्स्ट वीडियो डाला था चैनल पर, तो अभी 2 साल हो चुके हैं, और इस कड़ी में मैंने देखा है कि काफ़ी मेहनत लगी है और अब जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आने वाले समय में आपका जो चैनल है जी, आप जो ये ट्रैवल और नागपुर का जो दर्शन कराते हैं, तो इसका दायरा बढ़ाने का भी आपने कुछ सोचा है? जी मैंने बिल्कुल, मेरा जो मोटिव है कि पूरा वर्ल्ड टूर करने का, और क्या बात, वर्ल्ड टूर के साथ साथ में जो भी पैसा आएगा, ये सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैसा जो आएगा वो मैं चैरिटीज़ में लगाना चाहता हूँ, और जो मेरे जितने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स होंगे ना उनमें मैं गिवे पार्टिसिपेट करके उन्हें देना चाहता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा मोटिव है, क्योंकि ज़्यादा पैसा क्या करेंगे, ऑलरेडी सब कुछ है, तो पैसा जो है वो चैरिटीज़ में और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी लोगों की हेल्प ज़रूर करेंगे, तो अब देखते हैं कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं और कितना प्यार देते हैं। चलते चलते प्रमोद, आप क्या संदेश अपने चैनल के और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहेंगे? एक अच्छी कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं जी, और एक बहुत ही एक पैंडेमिक सिचुएशन से एक बहुत बुरा दौर हमने देखा हुआ है, तो इस दौर को कहीं ना कहीं अब पॉजिटिविटी में भी लेके जा रहे हैं, लॉकडाउन भी खत्म होने की तैयारी में, तो ऐसे माहौल में आप किस तरह की लाइफ लोगों को कहेंगे कि उन्होंने जीनी चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नॉलेज, कहीं पे भी नॉलेज मैटर करता है। अभी बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता कि क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, जो टीवी में देखते हैं या जो कोई बताता है बस वही चीज़ों को लेना स्टार्ट कर देते, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने मर्जी से, अपने दिमाग से उस चीज़ को सोचें, उस पर सर्च करें कि वो हमें खाने लायक है या नहीं है, उसी के बाद उसे लें। और मैं कहूँगा कि एलोपैथिक मेडिसिन फिलहाल जो ओवरडोज लोग ले रहे हैं कि बिना डॉक्टर के परमिशन के, बिना सेल्फ मेडिकेशन ना करें, है ना, डायरेक्टली मेडिसिन में जाते और बोलते कि हमें इतने सारे विटामिन्स के ये दे दो वो दे दो, क्योंकि मैंने खुद देखा है वो। मैं इस पर एक ब्लॉग बनाने की सोच रहा था, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से, है ना, उसकी जरूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बनाऊंगा मैं,
तो इसमें एक ही पॉइंट कहना चाहूँगा दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सप्लीमेंट, क्योंकि ये मेरा रियल अनुभव है। मैं एमवे से जुड़ा हूँ और मैं न्यूट्रीलाइट यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरा अनुभव है कि आप अगर सप्लीमेंट लोगे ना तो आपको कोरोना के कितने भी स्टेज आ जाए आपको छू नहीं सकता। ये आप जब यूज़ करोगे तो आपका इसमें जो है एक्सपीरियंस आएगा। इसके लिए मेडिसिन और कोई कुछ भी बताता है उस पर मत जाइए, आप अपने दिमाग से सोचिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, फिर उसे यूज़ करें। बिल्कुल सही बात कही है प्रमोद ने हमारे दर्शकों के साथ में। स्वस्थ जीवन जीना हम सबका हक है, लेकिन उसके लिए कुछ इस वक्त के कोरोना के पार्श्वभूमि पर अपना ध्यान रखना, कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। प्रमोद ने हमें पूरा नागपुर का दर्शन कराया। चैनल जरूर देखें और घूमते फिरते रहना चाहिए दोस्तों, लेकिन अपना खुद का ध्यान रख के, परिवार का ध्यान रख के, हमारे पूरे वातावरण का ध्यान रखते हुए। प्रमोद जी को हमारी ओर से उनके चैनल के लिए और उनके सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत ढेर सारी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत हमारे दर्शकों धन्यवाद, से बहुत बात बहुत करने। धन्यवाद सर।